अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह हम अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं गूगल एड्स के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जाइए गूगल एड्स पर, ads.google.com पर चले जाए और यहाँ पर आप जो है अपने गूगल एड्स अकाउंट में साइन इन कर ले। ठीक है, तो मैं यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप इंतज़ार कर ले, ये आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है, आपका इंटरनेट कितना तेज़ है। तो जितना आपका इंटरनेट तेज़ होगा उतना जल्दी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो गाइज़, अब यहाँ पर हम लॉग इन हो चुके हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में। यहाँ पर हमारा प्रोफाइल आपको दिख रहा है। अब आप सीधा कहाँ जाएंगे? सीधा हमने जाना है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब लोग लॉग इन हो चुके हैं। अब हमने सीधा जाना है सिंपली इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है टूल्स एंड लेट मी कैंसिल दिस वन, टूल्स एंड सेटिंग। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा नीचे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है सेटिंग्स, तो आपने सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेटिंग पे क्लिक कर देंगे तो आप चले जाएंगे यहाँ पर एक और पेज में और वहाँ पर आप सारी डिटेल्स जो है वो एंटर कर देंगे बिलिंग सेटअप में। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बिलिंग सेटअप जो है वो अब ओपन हो रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है बिलिंग कंट्री चूज़ करनी है, जिस भी कंट्री में आप हैं उसको आप चूज़ करें। या फॉर एग्जांपल आप किसी और कंट्री से हैं, इंडिया, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, तो आपकी कंट्री भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे पाकिस्तान। तो मैं यहाँ से पाकिस्तान को चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपने बिलिंग कंट्री चूज़ कर देनी है। इसके बाद नीचे आ जाना है, अकाउंट टाइप आपने सेलेक्ट कर देना है। इस पर आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल चूज़ करना है, बट नॉर्मली जो लोग है हम सब इंडिविजुअल हमारा अकाउंट होते हैं तो हम इंडिविजुअल भी ही यहाँ पर चूज़ करते हैं। तो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है या अगर आपका बिजनेस टाइप अकाउंट है तो आप यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नेम हम देंगे, नेम जो भी आपका बैंक अकाउंट के ऊपर नाम है, टाइटल है, वही आपने यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर आप जो है अपने एड्रेस भी एड्रेस लाइन में जो है अपना एड्रेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 लाइन्स मिले हैं तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल जो मेरा आईडी कार्ड का एड्रेस है वो देना चाहूँगा। और आप भी अपना यहाँ पर अपना आईडी कार्ड एड्रेस दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई मुझसे, इसको मैं छोटा करूँ। यहाँ पर आप अपना एड्रेस दे, अगर एड्रेस मतलब एड्रेस अगर आपका लेंथी है, स्ट्रीट नंबर है, वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंपली अपनी सिटी का नाम दे देना है। और यहाँ से मैं पेशावर से हूँ तो मैं पेशावर को ही यहाँ पर ऐड करूँगा। और यहाँ पर पोस्टल कोड आप देख सकते हैं आपके सिटी का पोस्टल कोड क्या है, जस्ट गूगल में आप सर्च करें। मैं फॉर एग्जाम्पल पेशावर पोस्टल कोड सर्च करना चाह रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर दिखा देगा। और हमारा तकरीबन 25,000 यही है, ठीक है ना। 2500, ये हमारा पोस्टल कोड है, 2500, ये हमारा पोस्टल कोड है, ठीक है ना। यहाँ पर पोस्टल कोड दीजिए और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते तो आप की मर्जी। तो अगर लेकिन नंबर देना चाहिए, ये अच्छी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास हाउ यू पे, तो आप ऑटोमेटिकली पेमेंट्स जो है वो देना चाहते हैं। अगर आप इसको रीड करेंगे विद ऑटोमेटिक पेमेंट्स यू पे फॉर दिस सर्विस ओनली आफ्टर यू हैव एक्चुअल कॉस्ट, यू विल बी चार्ज ऑटोमेटिकली ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ और एनी टाइम यूअर बैलेंस रीच एन अमाउंट नाउन इन योर पेमेंट थ्रेश होल्ड। सो पेमेंट थ्रेश होल्ड में जो भी आप अमाउंट सेट करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ से अगर आप ये चूज़ कर रखेंगे तो इस तरह से ऑटोमेटिकली होगा। बट यहाँ पर मुझे ये पॉपअप मैसेज भी मिला है, तो इसको अगर आप ये एड्रेस सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर ले, अगर नहीं चाहते तो ना कर ले। यहाँ पर हमारी बात हो रही थी ऑटोमेटिक पेमेंट्स में, तो यहाँ पर आप मैनुअल लगा दीजिए और मैनुअल में स्पेसिफाई योर अमाउंट, कितना अमाउंट आप जो है मैनुअली आप देना चाहते हैं। तो शुरू में आप सिंपली जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है हमारा 600 जो है हम दे सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यू पे फॉर दिस सर्विस यूजिंग योर पेमेंट्स अकाउंट बैलेंस ईच टाइम अ कॉस्ट इनकर्ड, द चार्ज इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस प्रीपेड बैलेंस। इफ दिस पेमेंट अकाउंट रन्स आउट ऑफ फंड्स योर सर्विस स्टॉप्स, एडिंग फंड्स विल ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट योर सर्विस। सो यहाँ पर आप जो है हमेशा मैनुअल पेमेंट्स लगा दीजिए। और यहाँ पर हमने जो पेमेंट मेथड है वो लगा देना है, कार्ड जो हमारा कार्ड नंबर है वो यहाँ पर हमने ऐड कर देना है।
तो यहाँ पर हमने कार्ड नंबर दे दिया, यहाँ पर हमारा जो एक्सपायरी डेट है, हमारा कार्ड एक्सपायर कब होगा, यहाँ पर आपकी बिल्कुल फ्रंट पे जहाँ पर आपका टाइटल मेंशन होता है आपके कार्ड के ऊपर, वैलिड थ्रू लिखा हुआ होता है, उसके पास ही आपका एक्सपायरी डेट मेंशन किया जाता है, तो वहाँ पर इसने आपने ऐड कर देना है। और आपके कार्ड के बैक पर जिस पर आपका मोहम्मद, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है जिस साइड पर आपके एटीएम कार्ड का, आप उसके बैक साइड पर अगर आप देखेंगे तो उस पर तीन हिंसे हुए देखने को मिलेंगे आपको, वो आपका जो है सीवीसी कोड नंबर है, तो वो आपने यहाँ से इस तरह से पुट कर देना है, ठीक है ना। तो मैं अपना सीवीसी कोड मैंने यहाँ से ऐड कर दिया, और यहाँ पर हमारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, ये चेक लगा दी गई है। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम टर्म्स की जितनी भी पॉलिसी है आपने इसको एग्री कर देना है, और सिंपली इसके बाद आपने जाना है कहाँ पर, सबमिट पे। लेकिन अगर आपको मैं ऊपर लेके चले जाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेम, एड्रेस और अकाउंट सब कुछ यहाँ से चूज हो चुका है। तो सिंपली आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और प्रॉम्प्ट्स देखने को मिलेंगे जिसको फॉलो करके आप जो है सेट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये वाला इनबॉक्स मैसेज मिला, ये सॉरी ये पॉपअप, यहाँ पर सेव कार्ड, अगर आप इस कार्ड को अपने इस पे सेव रखना चाहते हैं, बार बार इसको मतलब यूज़ करने से इसको आप यूज़ करेंगे बार बार, आपको इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ से सिंपली यस पे क्लिक करेंगे, और नो थैंक्स भी आप डायल जो है वो लगा सकते हैं। तो मैं सिंपली ओके करूँगा, यस कर दिया मैंने, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल फंड्स जो है वो 0 हैं, क्योंकि मेरे पास अकाउंट में अभी बैलेंस नहीं है, अभी मैंने न्यू अकाउंट बना दिया है, तो मैं इसमें फंड जो है ट्रांसफ़र करूँगा, और उसके बाद हम अपना नया जो कंपेन है वो भी शुरू करेंगे। और अगर मतलब मैं अपना यूट्यूब चैनल वीडियो प्रमोट करना चाहूँगा, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मुझे बता दीजिए, ताकि वो भी आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूँ कि किस तरह आप अपनी वीडियो की प्रमोशन कर सकते हैं। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर मेरे साथ अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।